नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है, तो वो है मलाना गांव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अपनी भारत विजय के बीच में ब्यास नदी से आगे ना बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि उसके अपने सरदारों का विद्रोह और भविष्य वक्ताओं की सलाह से जो है उसने आगे ना बढ़ने का जो है वो फैसला लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी, दोनों ही इसके सही आंसर है। आगे है, टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राज घोषणा का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो सिकंदर ने 326 बीसी के दौरान ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पौंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप का एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहां स्थानांतरित किया था? तो उसे फिरोजशाह कोटला में स्थानांतरित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हेनसोंग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी? तो हेनसोंग ने जो है भारत की यात्रा 629 बीसी में की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 480 से 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तो वो थे तोरमान। अगला प्रश्न है, तोरमान कौन था? तो तोरमान जो है वो पांचवी शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारी वह शासक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने वर्णन में किसने त्रिगारता को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है? तो वो हेनसोंग ने बताया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? तो नगरकोट का किला जो है वो 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा है। आगे है, महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया और लूटा गया, तो वो लूटा गया था 1009 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट को लूटा था? तो वो महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य किया गया? तो वो बर्फीले तूफान के कारण बाध्य किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो उसने जो है वो ब्रजेश्वरी के मंदिर को नष्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक था विजय वर्मन। अगला प्रश्न है, 1009 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो था जगदीश चंद। अगला प्रश्न है, जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया, तो उसने कहां शरण ली? तो कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर ढूंढिए, तो इसका सही आंसर है सिरमौर की पहाड़ियों में, कांगड़ा के किले में, मलौन के किले में। तो उसने जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में और
कांगड़ा के किले में दोनों ही जगह शरण ली थी, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था रूपचंद। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो वो था भीलपाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? तो उसने जीता था 1337 में, जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को जीता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उसमें कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद। अगला प्रश्न है, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया? तो 1337 में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के नगरकोट किले पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, वे 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? तो वो ज्वालामुखी के मंदिर में रखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय हंडूर का शासक कौन था? तो हंडूर का शासक आलमचंद था। अगला प्रश्न है, नूरपुर का कौन शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो वो था जसपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे, उन्हें मियां की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई बताई जाती है? तो वो जहांगीर द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, 1588 और 89 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो वो विधिचंद्र थे। अगला प्रश्न है, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही मसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया था? तो वो इस कारण हुआ था कि उस वक्त आगरा शहर का जो है बर्फबारी से ढक गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो वो नूरपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो वो थे जगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो वो नूरपुर के शासक को अपने बेटे की तरह मानती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो वो थे ज्ञानचंद। आगे है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो वो थे प्रताप सिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो वो थे शाहजहां से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बना मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो थे विधिचंद। आगे है, त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो थे बलभद्र। अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन गुलेर का राजा कौन था? तो अकबर के समकालीन गुलेर का राजा था जगदीश चंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो वो थे रूपचंद, जिनको बहादुर की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा।
अगला प्रश्न है, गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? तो शेर अफगान की उपाधि शाहजहां ने दी थी मानसिंह को। अगला प्रश्न है, जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सिब्बा राज में आए थे? तो वो 1622 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा? तो वो भक्तपाल थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? तो वो नवाब अली खान को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? तो वो था नवाब सैफ अली खान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? तो सूरजमल को भेजा गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानपुर से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो वो शाहजहां के शासनकाल में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में किया था? तो 1556 में उन्होंने कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो वो औरंगजेब ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? तो शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा था मंधाता प्रकाश। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो वो बीरबल को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? तो उसका कमांडर था नवाब अली खान। आगे है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल सम्राट ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने उसे कैद किया था, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो वो केहरी सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो राजा घमंड चंद ने अपने शासक का विस्तार किया था मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर के किले के अंदर मस्जिद बनवाई गई? तो वो नगर कोट में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिवांशी गाड़ी चुप रहे 2 मिनट, हाँ तो खेल ना, तो चुप मुंह बंद करके खेल, ऐसी तो ना ऐसी नहीं करते, तो आवाज आती है इसकी, चुप रहे, ऐसी करते हुए आप क्या कर रहे हो? खेल लो इसके साथ, जब पापा के साथ खेलो, खेल रहे देखो, आ रहे आ रहे, अरे जा अरे थोड़ी देर चल जा, थोड़ी देर काम दे करने, खेल तो रहे बुला तो रहे, जा जा मेरे पारो नहीं है, तंग करना मम्मा को, जा अरे बोल तो रहे, आजा खेलने, जा बुला तो रहे पापा, जा जा मेरे पास जा, मुंह रखने पर बंद अपने। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई? तो वो अहमद शाह दुर्रानी की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो वो 1640 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, निरटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? तो वो कांगड़ा और चंबा के शासकों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोवाल गांव जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा को अपना निवास स्थान बनाया? तो वो थे गुरु तेग बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया? तो वो मंडी रियासत की समृद्धि के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, पाउंटा साहिब के समीप भंगाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और डैश के राजा के बीच में हुई? तो वो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे भीमचंद। अगला प्रश्न है, भंगाणी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो भंगाणी साहिब की लड़ाई 1686 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो वो मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था राज सिंह। अगला प्रश्न है, जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था सिद्धसेन। अगला प्रश्न है, किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था? तो वो कुल्लू का राजा था। अगला प्रश्न है, किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया था? तो मंडी के राजा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया? तो वो जनरल वेंचुरा ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो उसने महल मोरियो जो है उन्हें प्रदान किया था। अगला प्रश्न, सिखों से अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य था? तो वो था कुल्लू। अगला प्रश्न, कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार था? तो पहला सिख सरदार था जस्सा सिंह रामगढ़िया। अगला प्रश्न है, जयसिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया? तो 1775 को जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, दतारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई? तो वो 1809 एडी में आई थी। अगला प्रश्न है, किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई? तो इसमें जो है अनिरुद्ध की बहन का विवाह जो है ध्यान सिंह के पुत्र से करने की मांग की गई थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया? तो उन्होंने जो है गोरखों को हराने के समय मदद करने के बदले में जो है उन्हें 66 गांव को उन्हें सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला लिया? तो 1842 में उन्होंने लाहौल को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे? तो वो थे देसा सिंह मजीठिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की? तो वो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, सन 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? तो वो थे जस्सा सिंह। अगला प्रश्न है,
1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया? तो उन्होंने घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी के कमालगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया? तो 1840 में किया गया था। अगला प्रश्न, संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो 1809 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1846 से 1876 ईस्वी तक गुलेर किस रियासती राज्य का भाग था? तो वो सिख पंजाब का भाग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष जसवान राज्य को हड़प लिया था? तो 1814 में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने जसवान राज्य को हड़प लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। महाराजा रणजीत सिंह ने 1828 ईस्वी में जागीर किसे भेंट की थी? तो फतेह सिंह को ये भेंट की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 ईस्वी में नादौन की जागीर सौंपी थी? तो वो सौंपी गई थी जोधवीर चंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो महाराजा संसार चंद की मृत्यु हुई थी 1823 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया? तो वो थे महान चंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? तो वो था मलौन का युद्ध, तो था मलौन का किला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी, यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी की संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए गए थे गोरखों और अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर डी। संगोली की संधि जो है वो गोरखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां संसार चंद व गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है? तो महल मोरिया जो है वो हमीरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1804 ईस्वी में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवा का राजा कौन था? तो उसमें जसवा का राजा था उमेद चंद। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? तो वो है संगोली की संधि। अगला प्रश्न है, सन 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया था? तो वो हराया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अमर सिंह थापा। अगला प्रश्न है, सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? तो वो हराया गया था महल मोरियो में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखों का अधिकार रहा था? तो बिलासपुर रियासत पर गोरखों का अधिकार 1814 तक रहा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 में यात्रियों के नाम तथा सूची 2 में अनेक उनके प्रमाण का काल दिया गया है, तो इसे मिलाना है। तो सीबीडी हेनसोंग जो है वो आए थे 630 ईस्वी में, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट 1820 से 1822 तक, अलेक्जेंडर रिजार्ड डी 1817 से 1818 तक, और जे बी फ्रेजर जो है 1800 से 1815 ईस्वी। तो ये है इसका सही मिलान। आगे है
19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान अंग्रेजों और गोरखों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? तो वो जातक हिल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर मंडी चंबा के शासकों और कांगड़ा किले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो उन्होंने गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1814 और 15 ईस्वी में के आसपास गोरखाओं और बुशहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई जिसमें गोरखाओं को भगा दिया गया कहाँ हुई थी? तो वो चिड़गांव में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाटू किला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हाटू किला जो है वो इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही। हाटू किला जो है वो जुब्बल में है, शिमला जुब्बल में आता है, रामपुर के पास आसपास कहीं ये पड़ता है। तो अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देशी रियासत उपद्रव में उठ खड़ी हुई? तो वो नूरपुर रियासत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन ब्रिटिशर्स की 1814 और 15 के एंग्लो गोरखा युद्ध में मौत हुई उनकी कब्रें निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो वो लोहार घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में थे, तो अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में जो है वो गोरखा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सतलुज नदी की दाहिनी तरफ की पहाड़ी रियासतों को पंजाब हिल स्टेट्स और बाईं तरफ की पहाड़ी रियासतों को शिमला हिल स्टेट का नाम दिया। कौन सी रियासत इस बंटवारे के अंतर्गत दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं हो रही थी क्योंकि सतलुज नदी इस रियासत को बीच में से दो बराबर भागों में बांटती थी? तो वो थी कहलूर रियासत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया? तो उन्होंने जो है वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है उन्हें पंजाब हिल स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणबीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम वेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? तो वो पॉलिटिकल एजेंट, रेजिडेंट कमिश्नर, सुप्रीडेंट जो राज्य के सुप्रीडेंट होते थे, उन सभी के माध्यम से रियासतों पर नियंत्रण रखती थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? तो 1846 में जो है वो ब्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। अगला प्रश्न है, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? तो उसमें अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था कि यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति डैश ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन हुए? तो 1846 में जो है ये जिले अंग्रेजों के अधीन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाल देहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था, वह था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौपाल जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो वो जेम्स बेली फ्रेजर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, 1815 में हस्ताक्षरित संगोली की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम ये था कि प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, यह किसने कहा, मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है? तो ये लॉर्ड एम हर्स्ट के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कोटखाई को 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? तो मूरक्राफ्ट ने 1820 और 22 में जो है हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर में निर्वासित किया गया था? तो वो थे वजीर राम सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए थे? तो 1846 में ये अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अगला प्रश्न है, 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? तो वो थे मेजर ब्लेयर रीड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कांगड़ा के किस राज्य की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि दी थी? तो वो थे राजा जयचंद। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मायो किस वर्ष पहली बार मंडी आए थे? तो लॉर्ड मायो 1871 में पहली बार मंडी आए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिद्ध युद्ध सिख युद्ध में अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह को कहां निर्वासित किया गया? तो सिंगापुर निर्वासित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? तो 1857 में इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। आगे है, लंबांगरा के जागीरदार को राजा की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? तो 1909 में इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया? तो क्यारदा दून जो है इन्हें लौटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी थरोच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई? तो वो थे धामी रियासत के लोग। अगला प्रश्न है, 1929 में किसके समर्थन एवं उत्साहवर्धन के से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना किया? तो वो थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो वो 1925 में समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जतोग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो भीम सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? तो वो थे बुशहर का शासक। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में शिमला का उपायुक्त बुशहर के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था, किंतु मुख्य आयुक्त ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि इस कदम से भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधा आ सकती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशहर राजा राज्य का शासक कौन था?
जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था, तो वो थे राजा शमशेर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के कारण के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी धर्मशाला में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देश की रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, तो वो थी रामपुर बुशहर रियासत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजसी मुखियाओं में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा, तो वो थे राम सिंह। अगला प्रश्न है, कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई, तो वो दी गई थी ज्ञान सिंह को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसवान तथा दातरपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया, तो वो लॉरेंस ने दबाया था, मिस्टर लॉरेंस। अगला प्रश्न है, किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर लिया गया था, तो वो रावीगढ़ और ढांडी को जो है वो जुब्बल रियासत के अधीन कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, तो वो थे राजा शमशेर सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड की सजा दी गई जिसके बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, तो वो थे हृदय राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजा हिंद आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हैं राम सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, गर्ली के किस सूद ट्रेडर्स ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था, तो वो थे दीनानाथ आंधी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेरजंग माठाराम दीपराम और सुनहरी देवी संबंधित हैं, तो वो सिरमौर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी, तो वो ली गई थी बाबा कांशीराम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह क्यों आरंभ किया, तो वो किया गया था राजा लक्ष्मण सेन ने भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलीनीकरण के मसले पर फरवरी 1948 में सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की गई थी राजा दुर्गा सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1914 और 15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया गया था मियां जवाहर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पझौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं था, तो पझौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे बाई एस परमार। अगला प्रश्न है, 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र किससे प्रभावित था, तो वो गदर पार्टी से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में वह स्थान कौन सा है जहां एक महान क्रांतिकारी ने 40 वर्ष तक देश निर्वासन के भीषण कष्ट झेलने के बाद अपने अंतिम दिन गुजारे और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के 5 घंटे बाद ही वहां अपनी देह त्याग दी, तो वो स्थान था डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था, तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला प्रश्न है, हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्वामी पूर्णानंद।
अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? तो बलबीर सिंह क्योंथल ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? तो वो की गई थी ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, INA से निम्न में से कौन सा संबंधित रहा है? तो बख्शी प्रताप सिंह इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले पर फांसी पर चढ़ाया गया? तो वो 1944 को चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ठियोग रियासत में पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी, इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना था? तो इसका प्रथम प्रधानमंत्री चुना था सूरतराम प्रकाश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1942 में सिरमौर राज्य के किसान सभा द्वारा एक विद्रोही सरकार का गठन क्यों किया गया? तो वो किया गया था रियासत के शासक द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयत्न में सहायता करने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की गई थी भागमल सौटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जुब्बल राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे? तो वो थे भागमल सौटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो वो जुब्बल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला हिल स्टेट्स में हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आयोजन कब हुआ? तो वो 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह के दौरान प्रजामंडल ने अपना मार्च किस स्थान से शुरू किया था? वो तत्तापानी से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल सत्याग्रहियों ने 1948 में सुकेत पहुंचने के लिए किस मार्ग का चयन किया? तो वाया तत्तापानी से उन्होंने सुकेत पहुंचने के लिए मार्ग का चयन किया था। अगला प्रश्न है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल का आंदोलन आयोजन किया गया था? तो हिमालयन रियासत प्रजामंडल का आयोजन वो किया गया था दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला प्रश्न है, कुनिहार संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है? तो कुनिहार संघर्ष से पंडित पद्मदेव का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न, धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? तो धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ता के नेता थे भागमल सौटा। अगला प्रश्न है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1939 को हुई थी। भाई दो ना पाई किसका नारा था? तो यह नारा जो है प्रजामंडल का नारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालयी रियासत प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। अगला प्रश्न है, हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1939 में जब पुलिस ने धामी रियासत के में भीड़ पर गोली चलाई, तो उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन जो है 1946 में हुआ है।
अगला प्रश्न, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड हिमाचल का पहला गोलीकांड था, कब हुआ था? तो वो हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रियासतों के शासकों की नरेंद्र मंडल नामक परामर्शीय संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो वो आई थी 1921 में। अगला प्रश्न है, सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे चौधरी शेरजंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें भास्कर नंद जो है समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसान सभा के तत्वावधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद्य सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई, तो वो था पझौता आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण मुख्य उद्देश्य था? तो लोकतंत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता है? तो वो सुकेत को प्राचीन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रियासतों में किसे प्राचीन माना जाता है? तो वो है कुल्लू रियासत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे? तो वो थे मंडी सुकेत और क्योंथल के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजवंश की स्थापना की थी? तो वो की गई थी सुशर्मा चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? तो वो दिया गया था हरिचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर रियासत का पुराना नाम था धमेरी, दमहाल, धमारी, तो ये सभी इसके नाम थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर का पुराना नाम था बारेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ध्यान से देखें और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।